छाया वेद हो गया, द्वार वेद हो गया, स्थिति वेद। स्थिति वेद क्या है? अभी तक तो जो हमने देखा वो ये है कि वो बदला जा सकता है, वो नहीं भी हो सकता, उसको हम हटा सकते हैं। अगर पेड़ है तो पेड़ को हटा देंगे, द्वार का हम ठीक कर लेंगे, द्वार को भी ठीक कर लेंगे, और जो उससे पहला है मंदिर वाला है तो मंदिर से थोड़ा दूर ले लेंगे। स्थिति वेद है, ये भूमि है। इसमें क्या है? इसमें पहला तो है मार्ग वेद, दृष्टि वेद। मार्ग वेद ये है जो हमने टी आकार की भूमि देखी थी, टी आकार की भूमि जिसको हम बदल नहीं सकते। मार्ग को तो हम बदल ही नहीं सकते ना, या तो हम वहां नहीं लेंगे या मार्ग को हम बदल नहीं सकते। अगर टी आकार की भूमि है कोई यहां पर, तो ये मार्ग वेद है। इसमें ये तो वेद है ही है सीधी। दृष्टि वेद ये है कि अगर हम कहीं पर गए, किसी मकान में जाते हैं या किसी जमीन पर जाते हैं, और वहां जाते ही हमें अशांति दिखे, वहां जाते ही हमें कुछ बुरा बुरा सा लगने लगे, कोई आदमी हमें मिलता है और आदमी के मिलते ही अच्छा लग जाता है, कोई आदमी मिलता है मिलते ही बुरा लग जाता है, नहीं इससे मेरी बन ही नहीं पाएगी, ऐसा लग जाता है। इसी तरह से अगर किसी जमीन पे हम जाते हैं और वहां पर जमीन पे जाते ही हमें ऐसा लग जाता है कोई गलत फोन आ जाए उसी टाइम में, इतना भी होता है। ध्यान रखिएगा, ये इंडिकेशन है कि कोई गलत फोन आ जाए आपको, या कोई परेशानी, जस्ट परेशानी आपको पैदा हो जाए, किसी को डांटना पड़े, बच्चा है बच्चे को डांटना पड़ जाए, वो हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, दोनों में से एक को किसी को डांटना पड़ जाए, कुछ ना कुछ गलत हो जाए उसी टाइम, वो गलत हो गया। ये है दृष्टि वेद, ये स्थिति वेद है, इसको आप बदल नहीं सकते। इस वाले जमीन को अगर आप ले लेंगे तो ये आपके जीवन में वही वाला काम करती रहेगी, ये भूमि, और ये वाला मार्ग आप बदल नहीं सकते। एक है वास्तु वेद, इसमें है चित्र वेद, दूसरा है शिल्प वेद, समवेद और अंतर्वेद। देखिए ये दोनों तो आपने सुना होगा, इन दोनों को चित्रवेद क्या है? अब कुछ चित्र ऐसे हैं जो हमारे उपाय में आ गए हैं, रेमेडी के शास्त्र में आ गए हैं। चित्रवेद ये है कि कभी भी आपके घर में क्रूर पक्षियों के, क्रूर जानवरों के, इनके चित्र नहीं होने चाहिए। ये आपको हमेशा हिंसक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। हमेशा जो भी आप लगाएंगे ना, वैसी ही मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है एक जगह का जो शुरुआत में था, उसके बाद कई जगह ये एक्सपीरियंस आते ही मैं उसको ठीक कर देता हूं। एक जगह मैंने करीब 7-8 साल पहले मैंने वास्तु किया था वहां पर, जिस टाइम में यूनिवर्सल थर्मो स्कैनर बना ही बना था, मैंने वास्तु किया था, सारी तरफ से हमने पूरा सब कुछ कर दिया था, उसके बाद भी वहां की एनर्जी ठीक नहीं हो रही थी। क्या हुआ था? गेट पे जितने भी गेट थे उनके, जितने भी गेट थे उस पे एक उन्होंने माइका लगवाया हुआ था, ब्लू कलर का माइका, माइका लगवाया हुआ था ग्रे कलर का, और उस पे ब्लू कलर की डिजाइनिंग बनी हुई थी इस टाइप से, ऐसे करके, ऐसे करके, कुछ ऐसे, मतलब ये डिजाइनिंग बनी हुई थी। मैं फोटो आपको ग्रुप में डाल दूंगा उसमें। इसकी निगेटिव एनर्जी निकलती रही थी 12 मीटर तक। यूनिवर्सल थर्मो स्कैनर, यूटीएस, जो भी सारी चीजें सबसे हमने नाप लिया, इसकी 12 मीटर तक निगेटिव एनर्जी निकल रही थी। 12 मीटर मतलब जहां से एक गेट मुड़ा था वहां से बहुत दूर तक मैं जाता गया और वहां तक निगेटिव एनर्जी निकल रही थी। चित्र वेद यही है। आपके घर में जो चित्र रखे हुए हैं, कई बार आपने देखा होगा चित्र बना हुआ है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। चित्र बना हुआ है, डूबता हुआ जहाज लगा हुआ है, आप समझ लो जिस जोन में आपने डूबता हुआ जहाज आपने लगा दिया, वो जोन खत्म हो गया। चित्र वेद बहुत ही मायने वाली चीज है, इसको ध्यान रखिएगा किसी भी घर में। और अगर आप इस तरह से वास्तु को समझ गए तो जाते ही घर में बता देंगे ये प्रॉब्लम। इसको हमने क्या किया फिर? कुछ कोई रेमेडी नहीं की इसमें, इसको केवल मैंने इसमें डॉट लगा दिया, इसमें डॉट लगा दिया, इसमें, इसमें, जितने भी इसका वो ट्रायंगल और षटकोण पंचकोण करके बने हुए थे ना, उस बीच बीच में मैंने सबके और सबका ब्रह्म स्थान चेंज कर दिया। जैसे हमने डॉट लगाया तो इसका ब्रह्म स्थान चेंज हो गया। चित्र वो किसी ने जो बनाया होगा, कोई जो शास्त्र निकला होगा, उसका अर्थ चेंज हो गया, ये पॉजिटिव एनर्जी देने लगा। चित्रवेद ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चित्रवेद बहुत मायने की चीज होती है। शिल्प वेद है, इसी तरह से आप घर में ऐसी क्रूर जानवर के कुछ नाम लिखे हुए हैं क्रूर जानवर के, मगर वो नाम लेना आप ठीक नहीं है।
अब वो जानवर अधिकतर उपाय में भी पाए जाते हैं, तो इसलिए वो जानवर का नाम लेना ठीक नहीं है। क्रूर जानवर के आप कभी भी पिक्चर ना लगाएं घर में, वो आपको हिंसात्मक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है वो पिक्चर। दूसरा, एक मैं आपको रिसेंटली एक अनुभव बता रहा हूं। देखिए वास्तु में कहां तक और क्या क्या देखा जा सकता है। 2-3 दिन 4 दिन पहले का मैं आपको अनुभव बताता हूं। पूरा हमने सारी चीजें कर ली और जब वहां से गुजरते थे ना, तो ऐसा लगता था यहां कुछ है, यहां तंत्रा वास्तु याद आएगा आपको। जब वहां से गुजरते थे तो फिर लगता था ऐसा यहां कुछ है, यहां कुछ रह गया है, और वो अच्छी जगह थी, नॉर्थ में ही था ऐसा। तो वहां पर जो है ना वो प्रॉब्लम, वो मैंने फोटो तो खींच लिया था, मुझे दिख जाए। हाँ ये देखिए, ये फोटो है, ये फोटो दिख रहा है आपको। ये उनके एक वार्डरोब टाइप में जो होता है उसमें चाबी लगी हुई थी, और चाबी में ये की रिंग है, हाईली नेगेटिव एनर्जी इसमें से। ये ऐसी जो गर्दन कटा हुआ है ना, ये उनको पता नहीं ये कब से था, इससे संबंधित सारी प्रॉब्लम भी थी। सारी चीजें हमने कर ली, जो जैसे करना था सब कर लिया। वहां से गुजरते थे तो ये लगता कि कुछ रह गया। फिर स्कैन करने का जो मेरा तरीका है, मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा, जब जब आप मुझसे टकराते जाएंगे, आते जाएंगे, तो वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। आप हाथ से स्कैन कर सकते हैं सारी चीजों को, आप हाथ से स्कैन कर सकते हैं, किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं यहां तक तो आपको पहुंचा ही दूंगा, हाथ से स्कैन कर लेंगे कहीं कुछ रह तो नहीं गया ऐसे। फिर इस चाबी को देखा आपने, चाबी को फिर अगर ऐसे आपको सीधा सीधा पेन को चेक करना है और पेन के इस क्लिप को चेक करना है, फिर तो मशीन का यूज करना ही पड़ेगा, यहां आप सही रास्ता काम नहीं करेगा। चाबी तो ठीक थी, इसमें बहुत हाईली नेगेटिव एनर्जी थी, इसको हमने जस्ट फिकवाया। ऐसा ऐसा सिल्क वेद होता है। कभी कभार आप देखेंगे बाहर से जो लेकर आते हैं ना, फॉरन से जो तस्वीर लेकर आते हैं या पिक्चर्स लेकर आते हैं बने हुए जो लेकर आते हैं, वो कंगारू है, गर्दन ही गर्दन है और पूरा नहीं है। कुछ में आप देखेंगे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, और उस घर में वो समस्या सबके साथ हो रही होगी। जो घर से अटैच्ड होता है ज्यादा, उसके साथ वो समस्या होती होती है, उसके भी हाथ में प्रॉब्लम, हाथ में पेन हो रहा है, इस टाइप से उसको होता ही रहता है। सिल्क वेद में ये होता है। सम वेद ये है, सिल्क वेद आ गया, सम वेद है पहली मंजिल से 1/12, 1/12 हिस्सा, जो इसका पूरा जो रहेगा वो इसका 1/12 हिस्सा कम रहेगा उससे। ये समवेद है, इसका साइंटिफिक रीजन समझिए। अगर हम ये सामान रखते हैं और इसके जस्ट बराबर एक दूसरा सामान इस पे रख देते हैं, तो इसके गिरने का डर है। जरा सा भी हवा इधर से उधर आए, कोई बाहरी तब तो इस पे जरा सा काम करे, ये गिर जाए उस पे। इससे थोड़ा छोटा रखेंगे तो इसका सेंटर मिला के जब हम उस पे रख देंगे ना, तो वो दुगना चांस है ना गिरने का। इसलिए जब भी पहले बताया गया इसको समवेद में, समवेद में इसलिए बताया गया क्योंकि ये कभी भूकंप का झटका आ जाए, मकान बड़े बड़े होते थे, ऐसे दीवार लगे हुए मकान नहीं होते थे, वो गिर ना जाए, ये इसका मतलब है। अंतर्वेद का मतलब है दो मकान का एक गेट ना हो, दो मकान, दो रूम नहीं, दो मकान का एक गेट ना हो। एक द्वार वेद में हमने इससे पहले जो द्वार वेद किया था उसमें एक और है, 3 गेट पैरेलल नहीं होने चाहिए, सामने सामने 3 गेट नहीं होने चाहिए। पैरेलल का मतलब ये 1, 2 और ये 3। ऐसे में नहीं होने चाहिए, एक लाइन में 3 गेट नहीं होने चाहिए। अब वेद है भवन छाया वेद, भवन की छाया किसी कुएं पे नहीं पड़नी चाहिए, किसी बहते हुए पानी पे नहीं पड़नी चाहिए, किसी पेड़ पे नहीं पड़नी चाहिए। आप उल्टा ले लो, पेड़ की छाया ना पड़नी चाहिए और भवन की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, मतलब वेस्ट में भी पेड़ ना हो, उसकी छाया वहां पर नहीं पड़नी चाहिए। किसी कुएं पे नहीं पड़नी चाहिए, मतलब आपके भवन के किसी भी साइड में कुआं ना हो, किसी भी साइड में, नॉर्थ ईस्ट में भी कुआं नहीं हो, और नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो नॉर्थ ईस्ट में भवन की बहुत छाया उसकी नहीं पड़ेगी। छाया वेद मिला जुला के हो गया, छाया वेद ले ही लिया हमने, स्थिति वेद ले लिया, द्वार वेद ले लिया, वास्तु वेद ले लिया, भवन छाया वेद ले लिया, पांचों।